तो बाबा जी से यही प्रेयर है कि हम आराम से जाएं, आराम से आए। बहुत ही आराम लगता है। वाह, कीड़ा घुस गया था, कीड़ा मधुमक्खी। क्या वॉटरफॉल है। हेलो यूट्यूब फैमिली, सत श्री अकाल। और की हाल चाल है। हर बार की तरह जैसे आज है संडे और हम जा रहे हैं मासू देवता टेंपल, जो कि चकराता साइड या चकराता साइड में पड़ता है। अभी तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, हम जीपीएस से ऑन करके जाएंगे। और सामान हमारा सारा रेडी था, सब पैक था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ में भूल गया था। रेनकोट मेरा रह गया था तो मैं रेनकोट रख रहा हूँ इसके अंदर, लाओ। और हेलमेट वगैरह अपना सब सेट है, ये जैकेट आ गई, ये आ गया रेनकोट, तो रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो पहनेंगे, नहीं पड़ेगी तो पैक रहेगा ये इसके अंदर। तो मैं अभी एक मिनट में मिलता हूँ आपको इसको पैक करके। रेनकोट तो हमने रख लिया, पैकिंग हमने कर ली बहुत अच्छे से। टाइम हो रहा है 8:05 और पैकिंग हमारी हो चुकी है। अभी हम करते हैं बाइक को स्टार्ट। अभी इसका मीटर रीडिंग भी हम ज़ीरो करेंगे हर बार की तरह, तो अभी देते हैं हम थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टार्ट। कर दिया है मीटर रीडिंग इसका ज़ीरो और अभी बाइक हो रही है हमारी कोल्ड स्टार्ट। तो चलो अभी निकलते हैं फिर। तो बाबा जी से यही प्रेयर है कि हम आराम से जाएं। अभी जाना है काशी तक का रास्ता तो मेरे को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है काशी तक। तो काशी के बाद हमने वहाँ पे जाना है मासू देवता टेम्पल, जो कि वहाँ का रास्ता हमें नहीं पता। तो चलो यहाँ से सेलागुड़ से आगे हरबड़पुर तक, तो आपको पता ही है लांगर, हम हरबड़पुर नहीं जाएंगे, हम लांगर रोड से ही राइट टर्न ले लेंगे। तो लांगर रोड तक तो आप सबको पता ही होगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे तो क्या ही दिखाऊंगा, कुछ जबरदस्त सीन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा और तब मैं कैमरा ऑन करूंगा। वैसे तो मैं अभी कैमरा ऑफ करके लांगर रोड में आपको मिलूंगा। और यहाँ से ले रहे हैं हम राइट टर्न लांगर रोड के लिए। तो ये सामने आ गया लांगर रोड का ब्रिज, जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही बना है। अगर यहाँ पे जब पहले ब्रिज नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पे मानसून के टाइम में इतनी बारिश आती थी कि काफी गाड़िया काफी कुछ बह जाता था। ये जो हमारी राइड है वन साइड 89 समथिंग है ये राइड हमारी ना, तो देखते हैं कितना किलोमीटर हम जाते हैं। वैसे मैंने मीटर रीडिंग ट्रिप ए बी जीरो ट्रिप बी बी जीरो सब कुछ है, जीरो सब कुछ है। तो बादल और पहाड़ पूरे मर्ज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, पूरा मौसम बना पड़ा हुआ है। जंगल्ला देखो ना, कितना सुंदर एरिया है, कितना ग्रीन है, कितना मतलब सड़क भी कितनी साफ सुथरी है। तो गूगल मैप हमने कर लिया है ऑन, मगर कहते हैं कि गूगल दीदी जो है ना, ये कभी कभी गलियों में गलत भी ले जा लेती है, इसके भरोसे मत रहना। मगर हम फिर भी गूगल के भरोसे नहीं रहेंगे। 1 hour 27 minutes फ्रॉम हेयर। यार ये जगह तो वाकई बड़ी सुंदर है, थोड़ी थोड़ी धूप नीचे आ रही है, ग्रीनरी देखो, पेड़ पौधे देखो, कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे व्यू अच्छा है। वो भी कह रही व्यू अच्छा है यहाँ का, बहुत ही आराम लगता है। वाह। तो यारो पेट्रोल का तो हमने बिल्कुल आइडिया लगाया नहीं, पेट्रोल आपको दिख रहा होगा 2 सेल है। गूगल दीदी हमारी बता रही है 43 किलोमीटर और पेट्रोल के सेल रही है सिर्फ 2। तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कितना होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे कहाँ नहीं पहुंचेंगे, भगवान जाने। कोई नहीं, अगर आगे पेट्रोल पंप आएगा तो पेट्रोल भरवा लेंगे, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो पेट्रोल कितना, पेट्रोल 2 रह गए, मैंने ध्यान ही दिया। मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं रहा पेट्रोल का, बिल्कुल भी याद नहीं रहा, सिर्फ 2 डंडे बचे हुए और यहाँ से है, यहाँ से अभी देखते हैं 42 किलोमीटर बता रहा है, अभी जाना भी है आना भी है। ऊपर तो मेरे को लगता नहीं पेट्रोल पंप होगा शायद, अब वापसी आने तो बेकार ही है। तो चलो जी राम भरोसे भैया, देखते हैं ज्यादा जाएंगे वहां तक रुक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, वाटरफॉल भी बना हुआ है, वाटर क्रॉसिंग भी हो रही है, गाड़ी आ रही है छींटे उड़ाएगी, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। दादा बहुत शानदार, प्यारा झरना, woo!
यहाँ तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं। अभी तो दो दिन पीछे गए। ये है डैम, डैम का नाम क्या है, डैम का नाम क्या है अभी? पांच गेट बना रखे इन्होंने डैम के। तो ये देखो एक और सुंदर सा वाटरफॉल, हम यहाँ पे नहा भी सकते हैं कि नहीं? हाँ नहा तो सकते हैं वैसे, ठीक है। एक और वाटरफॉल विद बॉर्डर क्रॉसिंग, नन्नू जी वाटर क्रॉसिंग। तो ये है कुछ वाटर क्रॉसिंग, कितना जबरदस्त वाटरफॉल है, क्या प्रेशर है पानी का। ये है वाटरफॉल, क्या वाटरफॉल है ये वाटरफॉल, देखो क्या जबरदस्त वाटरफॉल है, और पानी का प्रेशर ऊपर से इतना जबरदस्त आ रहा है। और ये आलिशा मैडम भी आ चुकी हैं, रुक चुकी हैं, और मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ वापस वाटरफॉल की तरफ से। और पूरा मेरे कैमरे में मॉइस्चर आ गया है पानी की वजह से, मगर वर्थ है। इतना ठंडा ठंडा पानी लग रहा था, इतना चेहरे में मज़ा आ गया था, बहुत बढ़िया था। और एक हमने छोटी सी क्लिप भी बनाई है इंस्टाग्राम के लिए। बताना आपको ये कैसा लगा आपको वाटरफॉल, क्योंकि अलीशा बता रही थी कि कैमरे में मॉइस्चर आ चुका है। यार लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने पेट्रोल भराना भूल गया। अभी तक तो दो सेल थे, अभी एक सेल था, और वो एक सेल जो बचा वो भी अब ब्लिंक करने लग गया है। जिस मंदिर में हम जा रहे हैं मासू देवता, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से 16 किलोमीटर है। अब 16 किलोमीटर जाना भी है और उल्टा वापस आना भी है। कहते हैं ना कि कोई भी बुरी घड़ी हो, बुरा टाइम हो, बी पॉजिटिव। अभी आपने देखा कि मैंने एकदम से कैमरा उतार दिया, हेलमेट उतार दिया, क्यों कहते? क्योंकि ततैया मधुमक्खी अंदर घुस गई थी, हेलमेट का वाइजर खुला हुआ था, काटी नहीं, वो निकल गई, बच गया मैं, नहीं तो आज मेरा मुंह इतने से इतना हो जाता। जोन सारी जगह पड़ती है, ये जोन सार जगह पड़ती है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। ऊपर ऊपर जगह हम चढ़ते जा रहे हैं और ठंडा ठंडा मौसम हमें फील हो रहा है, और उसके साथ साथ हमें ये भी फील हो रहा है कि हमारा पेट्रोल भी खत्म हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं पता नहीं, जौनसार पहुँच चुके हैं हम, और धूप भी है यहाँ पर, बट धूप को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का मौसम, भाई साहब जो मौसम है यहाँ का, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा वेदर हो वैसा हो रखा है अपना, फॉग फॉग सब बादल पूरे आ रखे नीचे। मैं जैकेट खोल लूँ यार, कोई नहीं छोड़ो। तो ये है कुछ यहाँ का सीन, बादल देखो क्या जबरदस्त बादल आ रखे हैं, कितना सुंदर व्यू है, और अपनी दोनों बीस्ट खड़ी हैं, एक बादल इसका हम लोग को नाम रखा नहीं है, ये ऐसी ठीक है रेड एंड व्हाइट सोचते हैं जटदा पुत्र चलो मान लो, यही मान लो जटदा पुत्र, ये जटदा पुत्र या बादल, और कलर कॉम्बिनेशन भी लगभग लगभग सेम है, रेड व्हाइट ब्लैक, रेड व्हाइट ब्लैक सेम ही है लगभग लगभग कलर भी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इतने प्यारे नजारे हैं देखो, क्या सुंदर लग रहे हैं, देख रहे हो, मतलब ये ना एक जन्नत है, जन्नत सही बताऊं मैं तो, ये गाइस जन्नत है सही बता रहा हूँ। मसूरी बसीरो तो क्या ही जाओगे, मसूरी को छोड़ो आप यहाँ पर आओ। तो एक बार आप नज़ारे देखो यार, कसम से बहुत अच्छे नज़ारे, मन तो कर रहा है कि यहाँ पर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, मन तो कर रहा है, मगर हाओ 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 मोना डार्लिंग हाओ। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पर पेट्रोल मिल गया, बहुत पेट्रोल, बहुत 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 पेट्रोल मिल गया। तो 2 लीटर मिला है, 1 लीटर 110 रुपये का लीटर है, तो मजबूरी है लेनी तो पड़ेगी। ये 110 रुपये लीटर है पेट्रोल, बहुत कीमती है अभी के लिए, आराम से आराम ना, बस ये 2 लीटर का व्यू देखो, बादल देखो कैसे आ रहे हैं ऊपर, देख रहे हो आप। ये है कुछ कच्चा रास्ता, हम पक्के रास्ते जा रहे थे और लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा था मासू देवता का, तो ये है कुछ रास्ता, और ये छोटा सा गांव बहुत ही सुंदर। ये आगे है टेंपल, मासू देवता टेंपल, वाओ। एक बार आप 0.5 में भी देख लो। तो चलो मैं आपको आगे चल के लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। सो गाइस ये है अपना मासू देवता टेंपल, बिसोई मंदिर, मासू देवता बिसोई मंदिर। तो पंडित जी आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मेला कब लगता है और कब आना चाहिए? ये मेला तो इसका सितंबर को है, 18 सितंबर को तो आएंगे, 18 सितंबर को फिर से आ सकते हैं, 18 तो है वो टाइम है, फिर आपको भी ये पता लग जाएगा कुछ चीज यहाँ पे है,
अच्छा। आम जगह पे तो ऐसा कि आना जाना रहता लोगों का, कभी एक आदमी आ गया कभी दो आदमी आ गया, मेला भरता है तो पता लगता कुछ चीज है। अभी जैसे आप बता रहे हो 18 सितंबर को है, तो वैसे भी कोई दिन होता होगा ना खास, वीरवार शनिवार इतवार का दिन 18 सितंबर का नहीं, वैसे कोई दिन है वो। अच्छा। जागड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, कोई डेट निकाली होगी। जागड़ा है, जागड़ा वो फेस्टिवल होता है, चलता जागड़े का जो साल में एक बार जागड़ा होता है। मतलब कितना पुराना मंदिर है इसका तो कोई पता नहीं, नौ निर्माण तो इसका करा है, इतिहास नहीं है देवता की कब आया, पर अभी लेंगे इधर आ जाओ। ये चीज है दशहरा लगता है, बसंत पंचमी लगती है इसकी, चार समय का मेला लगता है इसका महाराज, विश्व में लगता है बैसाखी का जो 18th। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, पहले है बोठा महाराज, फिर उसके बाद चंदा महाराज। तो आपने वो अजय देवगन और उसकी कौन था आमिर खान, उसकी कोई पिक्चर थी शायद इश्क, वो खम्भे में चढ़ जाता ना, वो बोलता है राम 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 तो ये भी कुछ वैसी है ये घंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसी चित्रकारी, कैसी मूर्तियाँ बना रखी है लकड़ी पे। हमने वहाँ से एंट्री की थी और यहाँ पर एक मंदिर है, एक मंदिर यहाँ है, वहाँ से प्रसाद लेके वहाँ से नीचे आए थे तब हम अंदर आए यहाँ से। तो ये है मासु देवता मंदिर, बहुत सुंदर। वो क्या नाम है आपका? विराज खन्ना। मेरा नाम वीरेंद्र सोंदी, वीर वीर है दोनों। तो पॉकेट में दिखाना, पॉकेट में क्या किया है? ये नील था मेरे जेब में। कोई बात नहीं, ये तो बचपना होता है। ये है हमारी बाइक्स। तो यार मंदिर के दर्शन तो हमारे हो चुके हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, पूरा लकड़ी का मंदिर बना हुआ है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, जैसे कि मतलब इन्होंने यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बना रखी हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। और 18 सितंबर को यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है बहुत ज़बरदस्त, बहुत भीड़ होगी, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग भी आना यहाँ पर, अगर आप GPS में गूगल मैप में भी डालोगे तो आ जाएगा वो। क्या था मंदिर का नाम? मासु देवता बिसोई, बिसोई मासु देवता अगर आप डालोगे तो आ जाएगा, और आना 18 सितंबर को। बाकी चलो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, सुबह हमने बस वही ब्रेड जिम खाया था, भूख लग रही है, अब तो कुछ नहीं खाया। क्या भंडारा है, तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा खाएंगे, भंडारा प्रसाद है वो, तो प्रसाद थोड़ा ही खाएंगे, बाकी मैगी और चाय खाने का पीने का मन है। चलो फिर चलते हैं। यहाँ पर ये हमें मिला है प्रसाद, और मेरा फेवरेट इसमें जो नारियल है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी नहीं हो रही है, तो अब बारिश के चक्कर में हमने बाइक लगाई और हमने सोचा कि यार चलो यार रेनकोट अब पहन ही लेते हैं फाइनली, अब क्या बार बार देखना। अब अभी हम निकले थे वापस देहरादून जाने के लिए वाया चक्राता होते हुए, और यहाँ पे हो गई है बारिश, और चक्राता रह गया है यहाँ से 24 किलोमीटर, बाकी त्यूनी है, कालसी है, और बाइक अपनी ये है। रास्ते में तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, और मैं अभी भी आपको ऐसे दिखा दूँ तो ये रास्ता है, ये सड़क जा रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो हम उस साइड से आए हैं और हमें यहाँ से होते हुए यहाँ जाना है। तो ये देखो जी यहाँ के नज़ारे, क्या फॉगी फॉगी सा है, तो बिल्कुल जीरो हो जाता, पता लगता नहीं बिल्कुल कि आगे क्या है और क्या आ रहा है। और ये भी देख रहे हैं बीच बीच में सड़क दबी हुई है दोनों कोनों से, ये भी बहुत रिस्की है। हम चक्राता पहुंचने वाले हैं, 1.5 किलोमीटर के करीब होगा चक्राता, 2 किलोमीटर देखा सही आइडिया लगाया मैंने, 1.5 किलोमीटर यहाँ से चक्राता रहता है। और भाई यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे, यहाँ है चक्राता की मार्केट, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट है। अभी हम पहुंच गए हैं चक्राता के मेन चौक में, जहाँ से मेन एंट्री होती है चक्राता की वो ये है, और यहाँ से लेफ्ट वापस हम जा रहे हैं देहरादून के लिए, कालसी यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो चलते चलते रास्ते में हमें दिखा कुछ हरी हरी वादियों के बीच में ये स्विमिंग पूल सा, आओ आओ मैंने कहा मिशन सक्सेसफुल के लिए हो ही रहा है, चल छोड़ दे, हो गया था सर, छोड़ दो, रेडी रेडी गो। जिस पहाड़ को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपने कैमरे की बैटरी बिठा के रखी थी, तो वो पहाड़ अब आ चुका है, और वो पहाड़ ना काफी डेंजरस है। ये है वो पहाड़ जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है मेरे को, ये रास्ता भी वो खराब है गाइस।
तो आप देख सकते हो मेरे सामने लैंडस्लाइड हो रखा है और पीछे भी काफी जगहों में लैंडस्लाइड था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरा कैमरा ऑफ था उस टाइम पे। तो देखो मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, पहाड़ तो लैंडस्लाइड होकर नीचे आएगा। मैं अपना एक बार कैमरा साफ कर देता हूँ अच्छे से, तो आपको मतलब दिखा भी दूँ। और बारिश भी धीरे धीरे बारिश हो ही रही है, आगे हो गई है बारिश। और हमने रेनकोट पहनने के लिए बाइक रोकी थी, बट हमने कहा यार बार बार पहनो, बार बार उतार के बहुत बार अभी हम थोड़ी देर में काशी पहुंचने वाले हैं, काशी पहुंचने पर विकास नगर, विकास नगर के बाद अपना धर्म। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं बैरिकेड्स काशी में। जब हम गए थे बिसोई और टेम्पल हम गए थे, हमने लिया था यहाँ से, हमने लेफ्ट टर्न लिया था अंदर के लिए, यहाँ के लिए। तो अभी तो बारिश हो रही है, अब मैं आपको तो हम डायरेक्ट आपको घर पे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक 6 बजे हम घर पहुंचे हैं। राइड हमारी बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छी राइड रही, बारिश भी होती रही, भीग भी गए हम लोग अच्छी तरीके से, और मैं तो घर पहुंच गया हूँ अच्छी सेफली से। बाकी वो अभी रास्ते पे होएगी, पहुंच जाएगी अभी, आई थिंक वो होएगी लगभग घंटा घर के आसपास आसपास कहीं होएगी, तो वो भी घर पहुंच जाएगी। मैंने मुझसे बोल दिया जैसे पहुंच जाएगी तो मैसेज कर देना, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितने किलोमीटर आज राइड की है। ट्रिप ए मैं यहाँ से 0 करके गया था, आप देख लेना मेरी पहले की रीडिंग। पूरी नेट 200 किलोमीटर हमने आज बाइक चलाई, पूरी 200 किलोमीटर यहाँ आके ख़त्म होती है 200 किलोमीटर। तो बहुत अच्छी राइड रही। सामान अभी हमारा इसी में पैक है सब कुछ, ये आ गया हमारा हेलमेट, अभी इसमें से भी वीडियोस निकाल के इसमें हम डालेंगे फ़ोन में, उसके बाद एडिट करेंगे, ग्लव्स ये रहे, और एज वेल एज बाइक की कंडीशन पहले जैसी राइड के बाद जैसे होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।